अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। इससे पहले हम वेरिएबल्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। आज हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल को यूज़ करना चाहें, वेरिएबल को नेम करना चाहें, ठीक है, तो पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन दरअसल कंपाइलर के लिए स्टेटमेंट है जो कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल में किस किस्म का डेटा स्टोर होगा और वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितने बाइट्स मुख्तस होंगे। दो चीज़ें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बताती है, what type of data will be stored in that variable and how many bytes will be reserved for that variable, ठीक है। assign in the name and data type that a variable can hold is called declaration of the variable। जब variable को हम name assign करें और data type, मतलब किस किस्म का data store होगा, integer data store होगा, float data store होगा, character data store होगा, that a variable can hold is called declaration of the variable। All variable data are used in a program are declared using variable declaration statement। जितने भी variable हम program में इस्तेमाल करना चाहें, पहले हम उसको declare करेंगे, compiler को बताएंगे कि ये हमारे variables है, ये इसका data type है और इतने bytes compiler उसके लिए set करेगा RAM में, ठीक है। इसका syntax क्या है, डेटा टाइप की जगह फ्लोट, इंटीजर, करेक्टर हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स मीन कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहे और वो तीन वेरिएबल है तो उसको आप लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप है और मैं चाहती हूँ तीन वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, ए, बी और सी। हम इनको सेपरेट करेंगे किसी से, कॉमा से, ठीक है, और यहाँ पे आखिर में सेमी कोलन। सेमी कोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमी कोलन। जिस तरह हम उर्दू इंग्लिश में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में ख़त्मा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह जो सी के स्टेटमेंट हैं उनको हम टर्मिनेट करेंगे सेमी कोलन। और अब ये तीन वेरिएबल है तो उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। इसको हम ऐसे भी, अगर आपने बिल्कुल गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है तो हर एक वेरिएबल को अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करें, ठीक है। इसी तरह इंटीजर सी, तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, ए बी सी क्या है, आपके पास वेरिएबल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फ्लोट है, फ्लोट डी ई और एफ, इसको हम अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। और अच्छा, अब ये भी डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप इंटीजर और ये फ्लोट है, तो जैसे कंपाइलर इधर आएगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा ए बी सी तीन वेरिएबल है ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, ए के लिए टू बाइट्स, बी के लिए टू बाइट्स, सी के लिए सिक्स बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे, कहाँ पे, रैम में। इसी तरह फ्लोट डी ई एफ, डी ई एफ हर एक वेरिएबल के लिए फोर फोर बाइट्स रैम में मुख्तस होंगे, इसलिए कि फ्लोट में डेसिमल पॉइंट वाला डेटा स्टोर होता है और फ्लोट के लिए फोर बाइट्स मुख्तस होते हैं, ठीक है। तो ये था डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अब डेटा टाइप, स्पेसिफाई डेटा टाइप वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंटीजर फ्लोट, लिस्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई, लिस्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो अब आपके पास ये जो एग्जांपल गिवन है, इंटीजर ए बी सी एक्स वाई जेड डी एस, एक दो तीन चार, फोर वेरिएबल है और कॉमा से सेपरेट है, ठीक है। जी, अगर आपने सेम डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप कॉमा से सेपरेट करेंगे इनको। आप गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि इनको आप अलग अलग लाइन में लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर एक्स वाई, फ्लोट बी, करेक्टर सी एच और डबल सम, हर एक जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर से क्या है, टर्मिनेटेड है, ठीक है। अब आपके पास कितने वेरिएबल है, इंटीजर के दो है, फ्लोट का एक है, करेक्टर का एक है और डबल का
एक है, ठीक है। तो ये तो आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टेल द कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप, हाउ व्हाट डेटा विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल एंड हाउ मेनी बाइट्स विल बी सेट फॉर दैट वेरिएबल इन रैम। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले और उसी टाइम उसको डेटा भी असाइन करें, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये है इनिशियलाइजेशन, अब आपने फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन के साथ ही डेटा भी असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। डेटा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए आपने ए में डेटा भी डाला। इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्लोट बी इज इक्वल टू 12.5 सेमीकोलन, यहाँ पे भी आपने इनिशियलाइजेशन कर ली। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन when data is assigned to variable it is called initialization of that variable। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल करेक्टर आपके पास सी इज इक्वल टू, मैंने इसमें ए, लेकिन करेक्टर को आप किस चीज़ में इनक्लोज करेंगे? सिंगल कोट में। when a variable is declared memory location is assigned to it, बिल्कुल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होता है मेमोरी रैम में, इसके लिए जगह मुख्तस होती है। द वैल्यू इन दैट मेमोरी लोकेशन इज़ आल्सो असाइन टू द वेरिएबल, और उस जगह पे जो वैल्यू दी जाती है वो उस वेरिएबल को असाइन होती है। असाइन एन अननोन वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपके पास इनिशियलाइजेशन है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 110, बी इज इक्वल टू 60, सी अब इनिशियलाइज नहीं है, सी सिर्फ डिक्लेयर है, फ्लोट एन इज इक्वल टू 3.35। तो 1, 2, 3 क्या है? इनिशियलाइजेशन है, जबकि सी की क्या है? सिर्फ डिक्लेरेशन है। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में मेन फ़र्क ये है कि इन डिक्लेरेशन में सिर्फ डिक्लेरेशन होती है और इनिशियलाइजेशन में होती है डिक्लेरेशन प्लस असाइन इन वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये था आपके पास इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।